Good evening, students. Hence, we are discussing about the various bridge foundations topic. So, wo khatam ho chuka hai. Now, we are going to start a new topic, that is bridge erection. Erection matlab sthapit karna. Hum bridge ko kaise construct karte hain, usse kaise sthapit karte hain, uski various techniques kya hoti hain, various process kya hoti hain, wo hum is topic mein aaj padhenge. So, let's begin. ब्रिज इरेक्शन मतलब अ लार्ज पोर्शन ऑफ आर ब्रिज वर्क इन इंस्टॉलेशन रेनफोर्सिंग स्टील इन फाउंडेशन अबटमेंट्स पियर डेक्स रिटेनिंग वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर. मतलब हम ब्रिज को बनाएंगे, कुछ पार्ट उसका ऑन द स्पॉट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे फाउंडेशन हो गया, पियर्स हो गया, बट जो स्लैब कास्टिंग होगी, जो डेक बनाना होगा, वो हम उनको पहले से बना के रखेंगे और उनको इंस्टॉल करेंगे वहां पे हमारे ब्रिज की स्लैब के पार्ट पे. ठीक है, तो कह सकते हो अ इंस्टॉलेशन ऑफ द डेक और द स्लैब्स. ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड यूज्ड इन ब्रिज इरेक्शन. तो मेथड कौन कौन सी यूज होती हैं? सबसे पहले एक आती है लॉन्चिंग मेथड. इट्स सिक्वेंशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस डेक एट वन एंड ऑफ द ब्रिज. एज ईच न्यू सेक्शन इज एडेड द होल डेक इज पुश्ड और पुल्ड आउट. हमने डिस्कवरी या हिस्ट्री चैनल पर देखा है कि एक साइड से हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, पहले हम सारी अबटमेंट्स बनाते हैं, सारे पियर्स बनाते हैं, देन हम उसका स्लैब एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्री कास्ट स्लैब को कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन उसी के बेसिस पे हम हायर मशीनरी का यूज करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम स्लाइड को कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं. जैसे हम टनल में यूज करते हैं कि हम टनल्स को बनाते चले जाते हैं अंदर, ऐसे ही हम ब्रिज में यूज करते हैं कि हम ब्रिज को मशीनरी की हेल्प से प्री कास्ट करते चले जाते हैं, ना कि हम एक साइड दोनों साइड से ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक साइड से ब्रिज इसमें कंस्ट्रक्ट होता है. बेसिकली कंस्ट्रक्टेड क्रॉस सेक्शन शेप थ्रू आउट ऑफ देयर लेंथ. हम पहले से उसके स्लैब को पार्ट्स में डिवाइड करके कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं फैक्ट्रीज में और नियर बाय द साइड, एंड देन उसे वहां पे जाके स्टेबल कर देते हैं या अटैच कर देते हैं, या कंक्रीट की हेल्प से हम आरसीसी कंक्रीट की हेल्प से हम कास्टिंग कर देते हैं. नेक्स्ट आता है इन सीटू कंस्ट्रक्शन, और वी कैन से इट अदर वे में बोला जाए तो कास्ट इन सीटू मेथड. वन टेम्पररी फॉल्स वर्क असेंबली ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन. ये एक टेम्पररी मेथड है, हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं. कास्ट इन सीटू इज द फ्लेक्सिबल मेथड इन डिमांड्स एज द ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन बी इजिली कॉपीड. जैसे हमने पहले पढ़ा था लॉन्चिंग मेथड.